हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक ये है कि एक फ्रेशर्स को क्या डिस्टेंस एमबीए कर लेना चाहिए जॉब पाने के लिए। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपके पास किसी भी टेक्निकल डिग्री है, सपोज वो बीटेक हो सकता है या एमसीए हो सकता है या बीसीए हो सकता है, और आप सोच रहे हो कि आप एमबीए करके और भी अच्छा पैकेज लाओगे, तो ये गलत डिसीजन है। क्योंकि डिस्टेंस एमबीए सिर्फ उन लोगों के लिए फ्रूटफुल है जो बहुत दिन से एक लेवल पे है, मतलब एक लेवल पे मैनेजर, एक लेवल पे जॉब कर रहा है और वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, जिसका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत सालों का है। एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए डिस्टेंस एमबीए उसके लिए फ्रूटफुल है, या उन लोगों के लिए भी डिस्टेंस एमबीए फ्रूटफुल है जो लोग के पास ये मैनेजरियल स्किल है, एंड वो मैनेजरियल स्किल है और वो जानते हैं कि कैसे मैनेजरियल स्किल को अप्लाई करना है, और वो चाहता है कि वो जिस सिचुएशन में है उसको स्विच करना, वो भी इंडस्ट्री में बहुत दिन से है, स्विच करना तब अगर वो डिस्टेंस एमबीए कर लेता है तो ये उसके लिए फ्रूटफुल है। मगर अगर आप एक फ्रेशर्स हो, अगर आप चाहते हो कि एमबीए का कॉस्ट, रेगुलर एमबीए का कॉस्ट ज़्यादा है, आपके पास टेक्निकल डिग्री है, एमबीए रेगुलर का कॉस्ट ज़्यादा है, आप एक डिस्टेंस एमबीए करके आप एक अच्छा पैकेज मिलोगे, तो ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जिन लोगों के पास, एंड वो उसका कंपनी में नेक्स्ट लेवल में जाना चाहता है या और कुछ कंपनी में स्विच करना चाहता है नेक्स्ट लेवल पे। डिस्टेंस एमबीए ओनली उन लोगों के लिए ही अच्छा है, फ्रेशर्स के लिए नहीं। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय।